ये बनाएंगे एक आशियां, दो पंछी दो तीन के कहो लेके चले हैं कहां। ये बनाएंगे एक आशियां, ये बनाएंगे एक आशियां। सभी दोस्तों को हमारा प्यार, मोहब्बत और खुलूस भरा सलाम। दोस्तों, प्रोग्राम लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं आपका मेज़बान, आपका दोस्त, आपका हम सफ़र अंजुम निसार। अब से लेकर रात के ठीक 10:30 बजे तक हम आपको आपकी पसंद की फिल्मी नगमे सुनवाएंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज के प्रोग्राम में भी काफ़ी सारे दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं और काफ़ी सारे दोस्त जो हैं नए भी हैं और कुछ दोस्त हमारे इस प्रोग्राम में हैं जो लगातार हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ते हैं। तो सभी दोस्तों का हम दिल की गहराइयों से इस प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप सबको हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा। तो आज के प्रोग्राम की अगर बात करें तो आज के प्रोग्राम में हमें सबसे पहले हमें आज के प्रोग्राम में लिखा है हमारी बहन रज़िया हसन साहिबा ने। तो हम आपका खैर मकदम करते हैं, आपने हमें सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। उसके बाद एक दोस्त हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, ये हैं लोन साहब, शाहिद लोन साहब, आपने हमें सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। रमीज राजा साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं दोस्त अपने इस प्रोग्राम में। रहीम सिंधी साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने सलाम लिखी है, आप गुजरात पटन से हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको भी हमारा ये प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा। हमारे एक दोस्त जो कि दिल्ली से, विकासपुरी नई दिल्ली से हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ते हैं,
आप भी हमारे मुस्तकिल सामिया हैं, हर रोज़ आप भी प्रोग्राम में शामिल होते हैं। आज आप प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, आपने खूबसूरत से नगमे की फरमाइश की है, तो हम ज़रूर आपको सुनवाते हैं ये खूबसूरत सा नगमा। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये नगमा है, ज़रूर आपको सुनवाते हैं। और जी हाँ, एक और दोस्त हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, इनका नाम तो मेरी नज़रों से ओझल हो गया। दरअसल इन्होंने पहले ही हमारे प्रोग्राम में एंट्री की थी और इन्होंने एक नगमे की फरमाइश की थी, दो गाना था ये, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में। तो हम आपको सुनवाते हैं दोस्त, आपकी पसंद का ये खूबसूरत सा नगमा जो आपने सुनना चाहा है, हम आपको सुनवाते हैं। और आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप प्लीज़ जी हाँ, आप अपनी पसंद का नगमा जब भी यहाँ पे टाइप करें तो प्लीज़ आप नगमे के बोल जो हैं वो पूरा लिखें, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि हमें आपकी पसंद का नगमा जो है वो समझ में नहीं आता है, और हो सके तो फिल्म का नाम और गुलूकार का नाम भी लिखा करें। हजार राहें मुड़ के देखी, कहीं से कोई सदा न आई, बड़ी वफा से निभाई तुमने हमारी थोड़ी सी बेवफाई, जहां से तुम मोड़ मुड़ गए थे, जहां से तुम मोड़ मुड़ गए थे, ये मोड़ अभी वहीं पड़े हैं। हम अपने पैरों में जाने कितने, तो आपने किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में खूबसूरत सा नगमा सुना। काफ़ी सारे दोस्त हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, शेख इखलाक साहब एक दोस्त हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, गुरेज से प्रोग्राम में शामिल होते हैं, आपका हम दिल की गहराइयों से इस प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। और एक और दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं, फिरोज़ लोन साहब, आपने हमें सलाम लिखे हैं, वालेकुम अस्सलाम। दिलबर अब्बास साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने सलाम लिखी है, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं दोस्त अपने इस प्रोग्राम में।
आपने एक नगमे की फरमाइश की है, बने रहें प्रोग्राम में। बट शबीर साहब ने हेलो लिखा है और इमोलिक अयान इस नाम के एक दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं। सलाम आपने लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। फेरोज़ लोन साहब हमारे दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं, तो मेरे ख्याल में इनका शॉल का कारोबार है, तो इन्होंने लिखा है लोन शॉल कॉरपोरेशन। खैर मकदम करते हैं लोन साहब आपका भी। ज़ुबैर रेशी साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने सलाम लिखे हैं, वालेकुम अस्सलाम। जाहिद शाह साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, सलाम आपने भी लिखे हैं, लिखते हैं उम्मीद सब खैरियत से होंगे। मुनीर भट्ट साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने सलाम लिखे हैं, वालेकुम अस्सलाम। एक नगमे की फरमाइश आपने की है, बने रहें प्रोग्राम में। और मुदस्सिर रोनियाल साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं। अब एक गज़ल आपकी नज़र करते हैं और इस गज़ल को सुनवाने के लिए हमारी एक बहन जो हैं वो प्रोग्राम में शामिल हैं। कल भी आपने इस गज़ल की फरमाइश की थी, तो कल किसी वजह से ये गज़ल जो है हम आपकी नज़र नहीं कर सके, क्योंकि वक्त या किसी और सबब, वक्त की कमी के सबब या किसी और सबब आपकी नज़र ये गज़ल नहीं कर पाए। आज ये खूबसूरत सी गज़ल नूर जहाँ की आवाज़ में आपने सुननी चाहिए है, ज़रूर आपकी नज़र करते हैं। बाकी सभी दोस्तों से मेरी गुजारिश रहेगी कि आप प्लीज़ प्रोग्राम में बने रहें, कोशिश करेंगे कि सभी दोस्तों की फरमाइश पूरी कर सकूँ। आज
दोस्तों, आपने नूर जहां की आवाज़ में खूबसूरत से अशार सुने। हमारी बहन रज़िया हसन साहबा ने इसकी फरमाइश की थी और हमारे एक दोस्त जो कि हमारे मुस्तकिल सामिया हैं इस प्रोग्राम के, रफ़ी रहमान साहब, ये प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। आप हमेशा हमारी तारीफ़ करते हैं, प्रोग्राम की तारीफ़ करते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने आज मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में एक खूबसूरत सा नगमा सुनवाने के लिए लिखा है, तो हम ज़रूर आपके लिए ये आपकी पसंद का नगमा पेश करेंगे। प्यार का बंधन फिल्म से नगमा है। सन 1963 में ये फिल्म जो है वो रिलीज़ हुई थी। ये दरअसल दो गाना है, ये मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में ज़रूर आपको सुनवाते हैं। रवि ने इसका संगीत तैयार किया था इस नगमे का, और बोल जो हैं वो कमर जलालाबादी के हैं। ये नगमा ज़रूर आपके लिए पेश करेंगे। और बाकी सभी दोस्त हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, सुनील समग साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका खैर मकदम है, आपने नगमे की फरमाइश की है। रियासत हुसैन सिद्दीकी साहब, ये भी हमारे मुस्तकिल सामिया हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं दोस्त अपने इस प्रोग्राम में। तजम्मुल अहमद भट्ट साहब हैं, सलाम आपने भी लिखी है। हकीम तारिक साहब प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, आपने एक नगमे की फरमाइश की है। और फिरा इस नाम के एक दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं, आप लिखते हैं। आप फिरदोस अहमद वगे साहब हैं बहाराबाद से, आपने भी एक नगमे की फरमाइश की है, बने रहें प्रोग्राम में। हीरा लाल रॉय साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, हमारी बहन ताहरा जान साहब अभी प्रोग्राम में शामिल हैं, और मुश्ताक लाला साहब प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं अपने इस प्रोग्राम में। दो गाना सुनते हैं, खूबसूरत सा दो गाना है ये मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में। और आपको बता दूं कि इस नगमे को सुनवाने के लिए हमें लिखा है, फरमाइश चुकी है, वो है रफ़ी रहमान साहब। सुनिएगा अपनी पसंद का ये खूबसूरत सा नगमा। मेरी पहली आरज़ू का ये सलाम याद रखना, नाम याद रखना। मेरी पहली आरज़ू का ये सलाम याद रखना। जहाँ दिल से दिल मिले थे वो मकाम याद रखना, जहाँ दिल से दिल मिले थे वो मकाम याद रखना। दिल से दिल मिले थे वो मकाम याद रखना। यही शाम याद रखना, जहाँ दिल से दिल मिले थे वो मकाम याद रखना। मेरा नाम है तमन्ना, मेरा नाम याद रखना। जहाँ दिल से दिल मिले थे वो मकाम याद रखना। छा गया है तेरे रूप का सवेरा, नए चांद से है राशन तेरी जुल्फ का अंधेरा। मेरे दिल पे छा गया है तेरे रूप का सवेरा, नए चांद से है राशन तेरी जुल्फ का अंधेरा। मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में आपने खूबसूरत सा दो गाना सुना। अपनी पसंद के फिल्मी नगमे, गज़लें, गैर फिल्मी नगमे आप हर रोज़ हमारे साथ सुनते हैं, रात के ठीक 9:30 बजे से लेकर रात के 10:30 बजे तक।
और हमारे एक दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं शेख सलीम बिन अहमद साहब, और वो कश्मीर कन्वीनर के आप सभी जानते हैं मालिक भी हैं, और उन्होंने एक नगमा आप सभी के लिए डेडिकेट करने के लिए यहाँ पे लिखा है। खूबसूरत सा नगमा है ये, पाकिस्तानी फिल्म है ये, और हम ज़रूर ये नगमा जो है आप सभी के लिए पेश करेंगे उनके कहने पे। हकीम तारिक साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका हम खैर मकदम करते हैं। गणेश प्रसाद खुशदर साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका भी खैर मकदम है। और शौकत मट साहब बड़े दिनों के बाद आज प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं। शाह खुर्शीद साहब हैं, आपने सलाम लिखे है, वालेकुम अस्सलाम। और अहंगर रसूल साहब भी है, अहंगर गुलाम रसूल साहब, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं। खुशनुमा इस नाम के एक दोस्त प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं। और आप सभी से मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ आप अपना कमेंट रिपीट ना करें, क्योंकि इससे ये होता है कि जब काफ़ी सारे कमेंट्स यहाँ पे आते हैं तो ये ऊपर जल्दी जल्दी चले जाते हैं, तो इस वजह से कई दोस्तों के कमेंट्स में पढ़ने से कासिर हो जाता हूँ। ऐसे में हकीम तारिक साहब हैं, ये बार बार कमेंट कर रहे हैं, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ आप थोड़ा रुकें, आपकी पसंद का नगमा भी ज़रूर हम पेश करेंगे। जड इकबाल हैं बांडीपोरा से, सलाम आपने लिख लिए हैं, वालेकुम अस्सलाम लिखते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम अंजुम निसार साहब, हमारी तरफ से आपको कश्मीर कन्वीनर के लाइव ब्रॉडकास्ट में हाजिर तमाम सामाइन को प्यार भरा सलाम कबूल फरमाइएगा। हम अल्लाह ताला से दुआ गो हैं आपको प्रोग्राम सभी सामाइन के साथ सलाम रहे, आपका प्रोग्राम हमारे लिए और एक बड़ा ही रिफ्रेशमेंट होता है। और आपने एक गज़ल की भी मेरे ख्याल में फरमाइश की है, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप बने रहें प्रोग्राम में। आप हैं डॉक्टर ज़फ़र इकबाल भोरू साहब, साइंटिस्ट हैं आप सुकास्ट कश्मीर के, तो मैं क्या कह सकता हूँ आपके बारे में कि आप जैसे लोग जब हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं यकीनन ये हमारे लिए हौसला अफजाई की बात है। और इस तरह आप हमारे प्रोग्राम की तारीफ़ करते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होते हैं, यकीन मानिए ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। तो नगमा सुनते हैं, शेख सलीम बिन अहमद साहब ने इसकी फरमाइश की है, आप सभी दोस्तों के लिए डेडिकेट करना चाहा है, सुनिएगा। अकेले न जाना हमें छोड़कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे। अकेले न जाना हमें छोड़कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे। अकेले न जाना दिया हाथ ना जिसने जीने का हमको, वो एक खूबसूरत सा एहसास हो तुम, जो मिटता नहीं दिल से तुम वो यकी हो, हमेशा जो रहती है वो आस हो तुम। ये सोचा है हमने कि अब जिंदगी भर तुम्हारी मोहब्बत को सजदा करेंगे। अकेले न जाना फसाना जो उल्फत का छेड़ा है तुमने, अधूरा न रह जाए ये सोच लेना।
बिछड़ के जमाने से पाया है तुमको, कहीं साथ तुम भी ना अब छोड़ देना, यही है तमन्ना यही इंतजार कहेंगे अकेले न जाना हमें छोड़ कर। दोस्तों, अपनी पसंद के फिल्मी नगमे, गैर फिल्मी नगमे, गज़लें आप हर रोज़ रात के ठीक 9:30 बजे से लेकर रात के 10:30 बजे तक हमारे साथ सुनते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा। हमारे एक दोस्त हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हैं, यकीन मानिए उनका इस प्रोग्राम में शामिल होना हमारे लिए फ़ख्र की बात है, क्योंकि आप जैसे लोग जब हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं हमारी हौसला अफजाई होती है। जी हाँ, मैं डॉक्टर ज़फ़र इकबाल बहरू साहब की बात कर रहा हूँ। आपने एक गज़ल की फरमाइश की है, खूबसूरत सी गज़ल है, हम ज़रूर आपके लिए पेश करेंगे। बहाउद्दीन डार साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका हम खैर मकदम करते हैं दोस्त अपने इस प्रोग्राम में। और यावर निसार साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं। और एक और दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं, ये हैं हकीम तारिक साहब, आप बने रहें प्रोग्राम में, ज़रूर आपको आपकी पसंद का नगमा सुन पाते हैं। दिलबर अब्बास साहब प्रोग्राम में शामिल हैं और हमारे दोस्त हमारे भाई मुश्ताक हाजी साहब प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, आपका हम खैर मकदम करते हैं। मोहम्मद इसाक साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं। और मुश्ताक अहमद साहब एक दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने जगजीत सिंह की आवाज़ में एक नगमा सुनवाने के लिए लिखा है, आपसे भी गुजारिश है कि आप बने रहें प्रोग्राम में, ज़रूर आपको सुनवाते हैं। फ़िलहाल हम नगमा सुनते हैं, बहुत ही खूबसूरत नगमा है ये, गज़ल है ये, और इस गज़ल को सुनवाने के लिए हमारे एक दोस्त डॉक्टर साहब ने फरमाइश की है, ये रही आपकी पसंद। आ जाए कोई शायद दरवाजा खुला रखना, उसका
भी पता रखना। मुझको रातों को भटकने की देता है सजा मुझको, दुश्वार है पहलू में दिल तेरे बिना रखना, दुश्वार है पहलू में दिल तेरे बिना रखना। दोस्तों आइए अब एक और नगमा सुनते हैं। जी हाँ, ये नगमा जो है ये किशोर कुमार की आवाज़ में नगमा है। इस नगमे को सुनवाने के लिए लिखा है हकीम तारिक साहब ने। जी हाँ, रोटी फिल्म से ये नगमा है। ज़रूर आपको हम सुनवाते हैं ये खूबसूरत सा नगमा। और मोहम्मद इसाक साहब भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। आपने भी एक नगमे की फरमाइश की है, तो आपसे भी मेरी गुजारिश है कि आप बने रहें प्रोग्राम में। हमारे एक दोस्त हैं, ये हैं हीरालाल रॉय साहब। आपने लिखा है कि मैं कुछ शेर पढूं आपके लिए, तो मैं कोशिश करता हूं कि आपको मैं शेर पढ़ के यहाँ पर सुनाऊँ। समंदर में उतरता हूँ तो आँखें भीग जाती हैं, समंदर में उतरता हूँ तो आँखें भीग जाती हैं, तेरी आँखों को पढ़ता हूँ तो आँखें भीग जाती हैं, और तुम्हारा नाम लिखने की इजाज़त छिन गई जब से, तुम्हारा नाम लिखने की इजाज़त छिन गई जब से, कोई भी लफ्ज़ लिखता हूँ तो आँखें भीग जाती हैं। गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, गोरा रंग दो दिन में ढल जाएगा, गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, गोरा रंग दो दिन में ढल जाएगा।
दोस्तों आपने दो गाना सुना, खूबसूरत सा दो गाना था ये। एक दोस्त हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, दिलबर अब्बास साहब। एक शिकायत उन्होंने की है, खूबसूरत सी शिकायत पे कह सकता हूँ उसे। ये लिखते हैं, भाई एक बात बोलूँ आपसे, आपको बुरा ना लगे, आपने पहले डॉक्टर साहब की फरमाइश पूरी की और डॉक्टर साहब की फरमाइश पूरी की उसके लिए बोला कि उसने कीमती टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए, और इसी तरह सब दोस्त आपके प्रोग्राम सुनने के लिए टाइम निकालते हैं, मतलब हर एक दोस्त का टाइम ऐसे ही कीमती होता है, आप बुरा मत समझना। जिसने पहले फरमाइश की थी उसी की पूरी होनी चाहिए, खास हर एक होता है और हर एक सामाइन का टाइम कीमती होता है। तो दिलबर अब्बास साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये बात अपने दिल में नहीं रखी बल्कि यहाँ पे लिखी। तो मैं आपसे बता दूँ कि इस प्रोग्राम में हमारे जितने भी मुस्तकिल सामिया हैं, सुनने वाले हैं, वो आपको बिल्कुल बता सकते हैं कि जब भी हम कहते हैं ये बात हो तो हम ज़रूर ये कहते हैं कि आप सब लोगों का शुक्रिया कि आप सब अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर हमारे इस प्रोग्राम में आते हैं। रहा सवाल डॉक्टर साहब की बात का, तो यकीनन मैंने उनके लिए ये बात अलग से कही, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी दोस्तों के लिए हम ये बात नहीं कहते हैं। यकीनन आप सभी दोस्तों का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आप अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होते हैं। और रहा सवाल पहला जो हमारे इस प्रोग्राम में कमेंट करता है कोई भी दोस्त फरमाशी नगमा सुनने के लिए, यकीनन उसी का हम जो फरमाशी नगमा होता है वो पेश करते हैं। लेकिन हमारे इस प्रोग्राम का ये भी फॉर्मेट है कि जिन दोस्तों ने अपनी पसंद का नगमा कल या परसों सुना होता है तो उन्हें हम रहने देते हैं, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि सभी दोस्तों की फरमाइश इस प्रोग्राम में पूरी हो। और कभी कभार ऐसा भी होता है, क्योंकि आप खुद लाइव कभी कभार आते होंगे फेसबुक पेज पे या अपने प्रोफाइल पे, तो जब कमेंट्स आते हैं तो ऐसे में जब काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं तो ये ऊपर चले जाते हैं, कई दोस्तों के कमेंट्स जो हैं वो हमारी नज़रों से ओझल हो जाते हैं। मैं बार बार उनसे ये माजरत चाहता हूँ कि आप प्लीज़ जब भी आप कमेंट करें तो एक ही कमेंट करें, क्योंकि बार बार जब आप कमेंट करते हैं तो इस तरह कुछ लोगों के कमेंट्स मेरी नज़रों से ओझल आ जाते हैं। तो यकीनन आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी बात जो है यहाँ पे रखी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम सिर्फ चंद ही दोस्तों के लिए ऐसी बातें कहते हैं। यकीनन इस प्रोग्राम में जो भी सामाइन शामिल होते हैं सब एक बराबर होते हैं, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक दोस्त हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, इन्होंने एक नगमे की फरमाइश की है, खूबसूरत सा नगमा है ये मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि कुछ दोस्त जो हैं वो किसी वजह से लाइव प्रोग्राम में नहीं आते हैं तो वो हमारे इनबॉक्स में लिखते हैं। तो ये एक दोस्त हैं, इन्होंने ये खूबसूरत सा नगमा सुनवाने के लिए लिखा है, सुनिएगा। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे चश्मे बद्दू, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे चश्मे बद्दू, मुखड़े को छुपा लो आंचल में कहीं मेरी नजर ना लगे चश्मे बद्दू, मुखड़े को छुपा लो आंचल में कहीं मेरी नजर ना लगे चश्मे बद्दू, सबकी नजर से डरा करो, यूं न अकेले फिरा करो, सबकी नजर से डरा करो, फूल से ज्यादा नाजुक हो तुम, चाल समझ
संभल कर चला करो, जुल्फों को गिरा लो गालों पर, मौसम की नजर ना लगे चश्मे बदू। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे चश्मे बदू। एक झलक जो पाता है राही वहीं रुक जाता है, एक झलक जो पाता है राही वहीं रुक जाता है, देख के तेरा रूप सलोना जान भी सर को झुकाता है। देखा न करो तुम आईना कहीं खुद की नजर ना लगे चश्मे बदू। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे चश्मे बदू। दोस्तों, आपने मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये खूबसूरत सा नगमा सुना, और इस वक्त हमारे स्टूडियोज़ की घड़ी में रात के ठीक 10:22 और 40 सेकंड हुए हैं। तो मेरे ख्याल में अब प्रोग्राम का आखिरी नगमा जो है वो हम आपके लिए पेश करें, और काफ़ी सारे दोस्त हैं जिन्होंने अपनी पसंद का नगमा यहाँ पे लिखा था, लेकिन वक्त की कमी के सबब उनकी फरमाइश पूरी नहीं कर पाए। सभी दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि कल आप वक्त पे प्रोग्राम में शामिल होइएगा। जी हाँ, रात के ठीक 9:30 बजे, तो कल हम आपकी पसंद का नगमा आपके लिए ज़रूर पेश करेंगे। आबिद आसिफ साहब हैं, हीरालाल चौहान साहब हैं, आज़िम फयाब साहब हैं, और शाहजा खान साहबा भी, हमारी बहन जोगेंद्र सिंह बत्रा साहब हैं। सभी दोस्तों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप प्रोग्राम के आखिर तक हमारे साथ बने हैं। और अब एक नगमा जो है ये हमारे एक दोस्त जो प्रोग्राम में शामिल हैं, ये हमारे मुस्तकिल सामजा हैं ये, जी हाँ, हीरालाल रॉय साहब। तो हम आपके लिए आपकी पसंद का नगमा ज़रूर पेश कर रहे हैं। मन्ना डे की आवाज़ में ये नगमा है, तो हम आपके लिए ये नगमा पेश करेंगे। मोहब्बतों में कुछ ऐसे भी हाल होते हैं, मोहब्बतों में कुछ ऐसे भी हाल होते हैं, खफा हूँ जिनसे उन्हीं के ख्याल होते हैं। मचलते रहते हैं जहनों में वसवसों की तरह, मचलते रहते हैं जहनों में वसवसों की तरह, हसीन लोग भी जान का बबाल होते हैं। इंसान की पहचान है जो पराई आग में जल जाए, ओ इंसान है। अपने लिए
जिए तो क्या जिए। अपने लिए दिए तो क्या दिए।